अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, आई एम योर साइंस टीचर, टीचर महीन. टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉप एंड द यूनिट नंबर फोर इज़ फ्रूट्स एंड सीड्स. और आपका आज का टॉपिक है फ्रूट्स. क्लास वन, टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक इज़ फ्रूट्स. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रूट्स. आप अपनी बुक पे पेज नंबर 27 पे फ्रूट्स की पिक्चर्स देख सकते हैं. बनाना, ऑरेंज, चीकू, वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, मेलन एंड गावा. दीज आर सम कॉमन फ्रूट्स फाउंड इन पाकिस्तान. ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आमतौर पे कॉमन, यानी हर किसी को जो है इन फ्रूट्स के बारे में पता है और ये कॉमन फ्रूट्स हैं. फ्रूट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डिवेलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ फ्लावर. फ्रूट जो है वो प्लांट का एक पार्ट है, यानी एक हिस्सा है जो कि फ्लावर की ओवरी से प्रोड्यूस होता है. फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड्स मौजूद होते हैं. फ्रूट्स आर ऑफ डिफरेंट टेस्ट, शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. और सभी फ्रूट्स के जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट, हर फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट होता है. हर फ्रूट की शेप भी जो है वो डिफरेंट होती है, साइज़ एंड कलर्स. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ स्वीट एंड फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में. तो ये आप अपनी बुक पेज नंबर 27 पे देख सकते हैं. पपाया की पिक्चर है, मैंगो है और बनाना है. ये जो है ये मीठे और फ्लैशी यानी गूदेदार फल हैं. इसके बाद जो है टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. सम फ्रूट्स आर स्वीट एंड फ्लैशी. मैंगो, बनाना एंड पपाया आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्वीट एंड फ्लैशी फ्रूट्स. जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मैंगो, बनाना और पपाया ये क्या हैं, ये स्वीट एंड फ्लैशी फ्रूट्स हैं. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रूट्स की तरफ. वो नेक्स्ट कैटेगरी है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. इसमें आप अपनी बुक पे ऑरेंज, ग्रेप्स एंड ग्रेप फ्रूट की पिक्चर देख सकते हैं. तो ये फ्रूट्स क्या हैं? सम फ्रूट्स आर स्वीट एंड सॉर एंड जूसी. कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मीठे, खट्टे मीठे यानी, और जूसी यानी रसदार होते हैं. अब उनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड ग्रेप फ्रूट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉर एंड जूसी फ्रूट्स. और मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करती चलूँ. फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स विच कीप अस हेल्दी. फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स के अंदर इम्पोर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं. थैंक यू.